गोरखपुर में ही ज्यादा हमारे हिंदी के कार्यक्रम होते हैं। क्यों बेटा? ये बहुमूल्य आशीर्वाद 501 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हुआ है संभाली हमारे राहुल चौहान द्वारा। बहुत 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 आशीर्वाद है, धन्यवाद है। किसी और के नाम की मेहंदी, अरे हाथों पे तुम न धरना। ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से बेटा। कल्पना जी हमें खैर जानकारी बहुत कम है। हाँ, इनको बहुत बार जानकारी है। हाँ बेटा, ये तोपो की बात नहीं है ना। इस सत्यता तो ये है क्या कि तुम तो शायद जीलो मेरे बिन आए। जीना पाऊंगा मैं तेरे बिन। वैसे कि तुमसे बिछुड़ के और किसी का हो न सकूंगा। क्यों? इसमें तुम्हारा प्यार है, ये दिल किसको दूंगा। अरे हो ना जुदा कभी मुझसे, अरे हो ना जुदा कभी मुझसे, और जीना तो सुमार लगूंगा। आइए गीत की ओर। ये तो जो कुछ लिख देते हैं, अब गीत मेरा में भी गिर रहा चरित मानस में। अरे राम चरित मानस में किसी ने सरस धाम है काटे। और ये सम्मानी हमारे कोको उस्ताद जी द्वारा ये बहुमूल्य आशीर्वाद हुआ है। क्यों? क्या राम चरित मानस में किसी ने सरसंधान है काटे। अरे कहीं कहीं पर किसी किसी ने नाप तान है काटे। जो बेटा जियो, और सुनिए बात आई, पहली बात कह रहा हूं क्या घूमते रहते बन बन आए। असुर घूमते रहते हैं बन बन, तब तब के ऋषि मुनि नहीं कर पाते हैं हवन। अब होता क्या है? क्या होता है? दशरथ से मांगे हैं ये राम लखन। जब राम लखन मांगे तो और ये बहुमूल्य हुआ क्या? और ये हमारे इंद्रजीत 51 रुपए और 51 रुपए सम्मानी हमारे श्याम गुरु द्वारा ये बहुमूल्य आशीर्वाद है। और देखिए पैसे अगर कही जाए बात तो इस बरामी से ही मेरा गाना बजाना शुरू हुआ है।
हमारे यहाँ के रामसाय टेलर भी थे, उनका पूरा आशीर्वाद रहा था। श्याम गुरु है हमारे सम्मानित छेदालाल जी है, जितने यहाँ गुरु समान है पूरा आशीर्वाद रहा है, बहुत छोटे से ही। खैर आप लोगों का बहुत पूरा आशीर्वाद रहा है। कोई मैंने कहा कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, ना कोई बात नहीं राजू भैया, यहाँ के आप बच्चे हो, आप मिल रहा है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी हमारे संतोष मेंबर जी के कर कमलों द्वारा ये बहुमूल आशीर्वाद हुआ है। हाथ गाते वंदन है, वंदन है, देखिए हुआ क्या क्या कब। अरे आ गए हे तारिका सुभाऊ ये बलधारी, कई बाण श्री राम ने तारिका मारे। अब एक ही बार तारिका को मार दिया तो हुआ क्या, हुआ क्या है। हन लीना और दीन जान तो निज पद दीना, मार असुर ध्वज निर्भयकारी और अस्तुत करें देव धुन दारी। पहली बात सुने, और ये हमारे श्यामी तूफानी जी जलेसर की तरफ से ये बहुमूल आशीर्वाद हुआ है। और ये बहुमूल आशीर्वाद सम्मानी हमारे पप्पू भैया द्वारा हुआ है। क्या रुपए का आशीर्वाद है तो देखिए अब हुआ क्या क्या। अश्रु शक्त के पल में, अरे अश्रु शक्त के पल में, अरे सारे अरमान है काटे, सारे अरमान काटे। तब तब श्री राम ने तारे का के देख नात कान है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा ना। अब आइए दूसरी बात, कि पंचुपति रहे लखन राम ये तो। अब होता क्या है क्या, ये सुपन का आई है वो पिंका, जाए जीवन का ये आराम। अब जब सुपन खा गई कि सुपन खाने रूप विकराल दिखाया है, तो लक्ष्मण ने आदेश राम का पाया है। और जब आदेश पाया राम का तो पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, नाक कान बिन भई करारा, और जन सब सेल गैर की। और ये फिर बहुमूल आशीर्वाद हुआ है सम्मानी हमारे योगेश शर्मा जी अमित समाधिया जी की तरफ से, नया बास हापस कीर्तन कमेटी वालों की तरफ से, श्यामंदा मैया की ओर से, ये बहुमूल आशीर्वाद है। हाथ हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। अब हुआ क्या क्या, अरे शेष बात क्या रही, अरे शेष बात क्या रही, शेष ने बना अनजान है काटे, बना अनजान है काटे, तो लक्ष्मण जी ने सुपन खा के नाक काले। देखिए अब देखिए तीसरी बात क्या, कि रामा दल और रावण दल कारण तो लड़ने लगे सुग्रीव और कुंभ। तो हुआ क्या, अरे दोनों के निश्चय थे इनके ये हरे, तुम करण जिस तम रणों में मार गिराया है। और हुआ क्या क्या, अरे उसी समय सुग्रीव ने बाण चलाया है, और जब उठाया तो हुआ क्या, अरे काटन दसन नास का काना, और गर्ज आकाश चले ते जाना, अरे नाक कान काटे ज
लिए जानी और फिरा क्रोध भाई मन गिला। अब हुआ क्या, अब होता क्या है, अरे बाण के द्वारा उसके, अरे बाण के द्वारा उसके सब धनुष बाण है काटे। कुंभकर्ण के देखो सुग्रीव ने नाक कान है काटे। और ये बहुमूल आशीर्वाद हमारे भूपेंद्र भैया की तरफ से आया है। अब केवल अंतिम लाइन कह रहा हूं और मुझे मालूम है कल्पना जी बाकी में ही रामायण की बहुत प्रवक्ता हैं, बहुत बड़ी वक्ता हैं, मुझे मालूम है। देखिए अब अंतिम लाइन है क्या, फिर ये हमारे बहुमूल आशीर्वाद हुआ है पीसेपुर की तरफ से सम्मानी द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। लंका में घुस गए हैं राम कबीर, लंका देख रहे रण के रणधीर। अब होता क्या है, क्या अब हुआ ये, लड़ने से राक्षस जो कोई मुख मोड़े, अरे कर कर के नकटे सब ही के सब तोड़े। अब हुआ क्या, क्या हुआ, अब हुआ, अरे मतवाला। अब यहां भी मैं कह रहा हूं कि जहां कछु फिर तुम साचर पावे, अरे जहां कहूं निफरतन साचर पावे और घेर सकल बहु भांत नचावे, अरे जो हमारे हर नासा काना, अरे ताए कौशलाधीश की माला। अब हुआ क्या, मतवाला मस्ताना बन के स्वर और मान है कावे। असुरों के इन बानरों ने नाक कान है काटे। संतोष यादव सभासद नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव सदस्य जिला योजना समिति हाथरस अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा बहुमूल्य आशीर्वाद हुआ है। तब यही है तो श्री राम ने देख यादव जी ब्राह्मण की तरफ से बहुमूल्य फिर आशीर्वाद हुआ है। हाथ हाथ वंदन है, अभिनंदन है। काटे काटे बढ़िया कार्यक्रम और आज बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं दूर दूर तक ठंडी आभास नहीं हो रही है ना, ना रहते आप लोगों के अंदर इतना उल्लास कीर्तन के प्रति देख करके हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ गई है और बेहतरीन प्रयास किया है और बड़ा अच्छा लग रहा कि आज इस मंच पर इस क्षेत्र के कई बड़े बड़े कलाकार उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल हमारे आदरणीय बहन जी करुण शर्मा जी, आपका भी मेरी ओर से स्वागत है। रामीर भैया और विशेष हमारे जो भी आज संचालन के भार को संभाल रहे हैं, सभी गुरुओं को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। जय हो।
तमाम भूमिका ना बनाऊं, ना बेटे ना, तमाम बातें ना की जाएं, ना बेटे ना। समय भी 45 मिनट रख दिया गया है। हाँ हाँ की लेने छांव जा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ, नंगे पांव जा रहा हूँ। ये गाड़ी ये बंगला सब तुम रख लो, माँ अकेली है मैं गांव जा रहा हूँ। क्या बात है बच्चे, जवाब के लिए नहीं टोकूंगी ना। तमाम हमारे बड़े बड़े रचनाकार सभी लोग उपस्थित हैं। गंगा मैया चरण छू जाए, बढ़िया गाया आपने, बढ़िया प्रयास किया है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन किसी और के नाम की मेहंदी और हाथों में अपने भरना, कभी किसी और से प्यार न करना। सुनिएगा, किसी और के नाम की मेहंदी, किसी और के नाम की मेहंदी, किसी और के नाम की मेहंदी, हाथों में नापने भरना, ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी पर किसी किसी के नाक कान है काटे, नाक कान पहले आपने दिखाया, ताड़का सोप नखा ये राक्षसों के तमाम जगह आपने लाने का प्रयास किया है। एक सौ एक मुद्राएं माता जी की तरफ से प्रदान हुई हैं, क्या हो और पूरे मंडल के लिए आपकी तरफ से आशीर्वाद प्रदान हुआ है, हृदय से धन्यवाद है, नमन है। 21 पद मुद्राएं श्रीकन्या राउ से हमारे बड़े भैया जी, जो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके यहाँ होता है, आपकी तरफ से प्रदान हुए हैं महाराज के लिए। क्या बात है महाराज,
वाह महाराज क्या बात है, सिर्फ बैठने के ऊपर आए हैं। लेखक बैठे तो इस तरीके से बैठे। और हमारे भैया जी की तरफ से किस्मत मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। चलिए जब आप कई जगह से लाया जा सकता है, नाक कान काटे तो हाथ पैर भी तोड़े जा सकते हैं, कहीं शीश भी काटे जा सकते हैं, और मिलता है ऐसा ग्रंथों में। लेकिन हमने सोचा कि आप नाक और कान ले रहे हैं, नाक कान ले रहे हैं, लेकिन ये नाक कान कटवाते कौन हैं? नाक कान कटवाने का काम कौन करवाता है? कौन? अगर श्रूप नखा देख ना पाती तो शायद है ये कहती कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी है संयोग विद रचो बिचारी। यानी एक इंद्री ये आंख, जब ये आंख कहीं जाती है भैया जी, तो मैंने कहा नाक कान आप काट रहे तो क्यों ना आंख की तरफ चला जाए। बहुत अच्छा, जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। अब हाथ पैर नहीं तोड़े जाएंगे। प्रयास सुनिएगा राजू भैया, सुनिए। बहुत बढ़िया आपने गीत दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग भी कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं है, बस छोटे से कलाकार हैं, बल्कि छोटे से भी छोटे, यानी कि नन्हे मुन्ने कलाकार हैं। आपसे छोटा कलाकार कोई नहीं। बिल्कुल बेटे, बहुत अच्छे, 2 फुट 1 सेंटीमीटर की लंबाई मेरी बस। सुनेगा जब सुनो कि पढ़ा ग्रंथों में ऐसा मैंने ग्रंथों में मिल क्या रहा है, सुनिएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, बात अच्छी लगे तो आप आशीर्वाद जरूर दें, हम लोगों को ऊर्जा आ जाती है, सुनिएगा। अरे पढ़ा ग्रंथों में ऐसा मैंने, पढ़ा ग्रंथों में ऐसा मैंने, कितनों ने दुख ओढ़े। हमने आपने नहीं, ग्रंथों में देखे कितनों ने दुख ओढ़े हैं, स्वयं भगवान भी दुख ओढ़ रहे हैं। अरे पढ़ा ग्रंथों में ऐसा मैंने, कितनों ने दुख ओढ़े। अरे कहीं किसी ने एक है फोड़ा, कहीं नयन दोई फोड़े, कहीं किसी ने सुनेगा। अभी मैं बाद में बोल दूंगी पुरस्कार, कहीं एक फोड़ा कहीं दो ही फोड़े। हाँ सुनिएगा। अरे चरण कमल में चोंच मार के फिर वो भागा भागा। माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं राम। हाँ। लेकिन इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा कि ये वास्तु में ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ना, 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 नहीं। परीक्षा करने के लिए जयंत आए, लेकिन रूप किसका बनाया? कागा। सीता चरण चौंच हति भागा, मूड मंद मति कार कागा। सुनेगा सुने। अरे चरण कमल में चौंच मार के फिर वो कागा भागा, और तीन लोक में मिली शरण ना कहा होई है सा भागा। जहां जहां जाता है महाराज बचा लो, महाराज बचा लो, सब भगा देते हैं। हाँ। तीन लो
चौक में मिली शरणा, कहां कोई ऐसा आधारा। फिर राम जी ने किया क्या, राम जी ने एक सीख उठाई और तीर बना करके उसको जयंत के पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही वो तीर जयंत के पीछे गया तो अरे हाल न पूछो उसी जयंत का, हाल न पूछो उसी जयंत का, कोई ना दुख हो रे भैया जी। अरे कहीं किसी ने एक फोड़ा, कहीं नयन कोई फोड़े, राजू भाई जी एक लाइन फोड़ा गया जयंत, जयंत के भैया राम जी का तीर गया, जयंत की आंख में लग गया। तो उस कागा का भैया जी एक नयन ही खत्म हो गया, एक आंख चली गई, यानी के एक फेस नहीं आ रहा है। सुनिए, अब ग्रंथों में मिलता है, आप रामायण में देख प्रयास किया, मैं सोच रही हूँ कहीं दो नयन आ जाएं, उन्हीं ग्रंथों में सुनिएगा। सुनिए, निवेदन करी हूँ भैया लोगों से सुनेगा। सुनिए, इधर सुपर्णी अपने पिताजी के साथ वन में जाती है, वन बिहार कर रही है, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, उनको दिखा कि कहीं एक बीम लगी होती है ये जी। उस दीमक में उन्हें दिख रहा है कि उसमें कहीं कुछ चमक रहा है। सुकन्या ने एक तिनके को उठाया, सीख उठाई और देखा कि इसमें चमक क्या रहा है, और जैसी वहां सीख मारी तो भैया जी वहां से रक्त की धार निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई और नहीं, स्वयं चमर ऋषि बैठे हुए थे। यहाँ काग की एक आंख फूटी है, यहाँ देखे कितनी दोनों दोनों आंखें कैसे जा रही है। अरे भिग तपसी के आग सुकन्या भूल करे कुभारी। राजू भैया अनजान जान के फोड़े नयन, फिर नाता अपना जोड़े। सुकन्या ने दोनों आंखें फूट गई भैया जी, चमन ऋषि से विवाह करना पड़ा सुकन्या का। जब विवाह हुआ तो मेरा कहना है क्या,